हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज हम आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये रेगलन स्टाइल स्वेटर लेकर आए हैं। ये जो स्वेटर है मैंने 1 to 2 ईयर के बेबी के लिए बनाई है, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाई है। इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 151 स्टिचेस लिए हैं, 151 फंदे लिए हैं। और ये जो फंदे हैं मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, आप अगर चाहें तो सिंपल फंदे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर फंदे डालना चाहते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं कि किस तरह से इनको डालना है, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि इजीली वहां जाकर आप इनको सीख सकते हैं कि कैसे मैंने इनको डाला है। अब इनको डालने के बाद मैंने यहाँ पर दोनों साइड से इसको सीधा सीधा बुनते हुए टोटल 9 रोज़ यहाँ पर बुनकर कम्प्लीट कर ली है। जब आप दोनों साइड से ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे तो इस तरह की ये जो लाइंस आ जाएंगी, जिनको गार्टर स्टिच बोलते हैं, इनको मेनली बॉर्डर में हम यूज़ करते हैं। तो अब जो है 9 रोज़ बुन जाने के बाद अब हम अपनी रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। तो ये देखिए, रॉन्ग साइड पे जब हम आएंगे, ये हमारी 10th रो है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड बटन पट्टी के लिए 7-7 फंदे हम यहाँ पर रखेंगे, और बीच के जो आपके 137 फंदे हैं, 137 फंदे, इनमें डिज़ाइन डालेंगे। तो वो हमें देखिए कैसे करना है। तो जब भी बटन पट्टी के फंदों को हमें बुनना है तो उनको हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा हम एज इट इज़ ऐसे ही डाल लेंगे दूसरी सिलाई में, इसको हमें नहीं बुनना है, और जो नेक्स्ट 6 फंदे हैं इनको हम यहाँ पर बुनेंगे। तो ये 7 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे अपना थ्रेड अटैच करेंगे। तो थ्रेड अटैच करने के लिए मैं इस स्वेटर को मल्टी कलर में बना रही हूँ, तो मैं अपना सेकंड कलर यहाँ पे अटैच करूँगी। तो सेकंड कलर हम ले लेते हैं। इसको लेने के बाद आप यहाँ से कुछ भी इस तरह से उठाकर फंदा, और इसको हम यहाँ पर बुन लेंगे। इसके पीछे जस्ट हमारा पर्पस ये है उठाने का, फिर हम इसको ऐसे निकाल देंगे ताकि हम बाद में इस तरह से इसको अटैच कर सकें। अटैच करने के बाद जैसे ये फंदा इस तरह से उठ गया तो हम एक धागा यहाँ पे ऐसे डालेंगे, एक टेल पकड़कर, और इसको ऐसे खींच देंगे। आप जैसे इसको यहाँ पे अटैच करना चाहें कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा लंबा ही रखना है ताकि बाद में इसमें नीडल डाल के ईजिली हम यहाँ पे इसको सेट कर सकें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये 7 फंदे जब हमने बुन लिए, इनको हमने सीधा बुना, तो ये जो धागा है इसको हम आगे ले आएंगे। अब यहाँ से इस तरह से धागे को पकड़कर इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको, इस वाले धागे को, और ये जितने भी फंदे हैं बीच के जिनसे हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, ये सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनते चले जाएंगे। तो पूरी हमने जितने भी डिज़ाइन डालने वाले फंदे हैं 137, उनको हम ऐसे ही बुन लेंगे, और लास्ट के जो 7 फंदे हैं वो हमें बटन पट्टी के इसी क्रीम कलर में रखने हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि कैसे करने हैं। पहले मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये पूरी रो मैंने यहाँ पे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर ली है। अब आप देखें यहाँ पे फिर हमें बटन पट्टी देनी है, लेकिन अब वहाँ से जो हमारा थ्रेड था क्रीम कलर वाला वो हमारा यहाँ रह गया, तो अब जो है यहाँ पे आपको क्रीम कलर का थ्रेड अटैच करना है, जिससे स्पेशली जस्ट हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मैंने 151 फंदे लिए हैं इसमें मेरे तीनों पार्ट इंक्लूड हो जाएंगे, जो बैक का पार्ट है वो भी और फ्रंट के दोनों पार्ट भी। लेकिन अगर आप सेपरेट सेपरेट करेंगे फिर आपको इस तरह से यहाँ पे ये अटैच नहीं करना पड़ेगा। फिर जैसे सेपरेट पार्ट तो हम इतना बनाएंगे तो उसमें हमारा बटन पट्टी यहाँ तक बनेगी और डिज़ाइन इस तरह से बनता चला जाएगा, तो उसमें आपको अलग से थ्रेड अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट ये मैं तीनों पार्ट इकट्ठे बना रही हूँ, तो एक जो बटन पट्टी का एज है वो हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये थ्रेड अटैच करना पड़ेगा। तो वो हम सेम वैसे ही कर लेंगे जैसे आपको मैंने पहले बताया था। इस तरह से फंदा उठाएंगे और इसको हम यहाँ पे बुन लेंगे, इस तरह से बुनकर फिर इसको हम निकाल देंगे और इसको
या तो आप नोट लगा सकते हैं या फिर इसकी एक टेल पकड़कर जो थ्रेड की और इसमें से निकाल देंगे इस लूप में से और ऐसे हम इसको पकड़कर खींच देंगे। तो ऐसे आप इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जितने भी बटन पट्टी के फंदे होंगे उनको दोनों साइड से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये जो धागा है इसको हम पीछे लेकर जाएंगे और इन 7 फंदों को, जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम यहाँ पे सीधा बुन देंगे। तो ये रो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है 10th रो। अब हम अपनी राइट साइड की 11th रो पर आ गए हैं। इसमें हमें अब यहाँ पे एक बटन होल देना है। तो बटन होल देने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 फंदों को बुनकर ये जो सेंटर वाला फंदा है इसके साथ ये एक फंदा यहाँ से इंक्लूड करते हुए इन 2 फंदों का एक बना देंगे और हम यहाँ पे जाली देंगे। तो वो हमें कैसे करना है, पहले तो हमें ये बटन पट्टी के फंदे, जैसा कि मैंने बताया था, दोनों साइड से सीधा बुनना है। तो इनको हम सीधा बुन लेते हैं, पहला फंदा स्लिप करके और नेक्स्ट 2 फंदे और बुनकर 3 फंदे हमारे हो गए। अब उसके बाद धागा हम आगे लेकर आएंगे और ये जो 2 फंदे हैं सेंटर वाले फंदे के साथ इसको लेकर और इस तरह से हम इसको बुन देंगे। धागा हमारा आगे गया है तो ऐसे जब हम इनको बुनेंगे तो 2 फंदों का एक हो जाएगा और ये जाली हमारी इस तरह से बन जाएगी, ये देखिए। तो हमारी जो कमी हुई थी फंदों को 2 को एक करने से वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो फंदे हैं 2 और इनको हम बुन देंगे। तो ये जो जाली है यहाँ पे ये बटन होल बन जाएगा। अब देखिए आपने कैसे करना है, ये जो धागा है अब इसको हमें इस दूसरे धागे के साथ क्रॉस करना है। ये जो दूसरे कलर वाला नज़र आ रहा है आपको धागा, इसके पहले इसको हम ऐसे लेंगे और इस धागे को हम ऐसे लेंगे, ऐसे और आगे कर लेंगे और फिर अब हम अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें कैसे करना है, फर्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इस तरह से हम इनको खींच देंगे ताकि यहाँ पे गैप ना रहे। तो फर्स्ट फंदा उल्टा बुनने के बाद एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंदा हम फिर उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से धागा आगे से जाता रहेगा, एक फंदा हम स्लिप करते रहेंगे और एक हम उल्टा बुनते रहेंगे। तो पूरी रो आपने एंड तक इसी तरह से बुननी है। तो एंड में देखिए यहाँ पे इसी तरह से एक फंदा हमारा उल्टा बुनेगा। ये इसलिए आया है क्योंकि बीच के जो फंदे हैं हमारे ओड नंबर में हैं। अगर वो बीच के फंदे इवन में होंगे तो हमारा यहाँ पे ये उल्टा नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब इस तरह का डिज़ाइन हम डालते हैं तो जो बीच के फंदे हैं वो हमारे यहाँ पे ओड में आने चाहिए। तो ये हो जाने के बाद अब हमें फिर से बटन पट्टी के फंदों को यहाँ पे सीधा बुनना है। तो ये हम ऐसे धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो भी वो क्रीम कलर वाला धागा था, जैसे ये पीछे लेकर गए और जो क्रीम कलर वाला धागा है उसको हम इस तरह से सेट करेंगे, इसको क्रॉस करते हुए पहले ये करेंगे और फिर इसको हम ऐसे लेंगे और फिर उसके बाद इन फंदों को हम यहाँ पे सीधा बुन देंगे। तो ये जो है हमारी अब रो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखिए जो राइट साइड से अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ अटैच किया है, तो ये काफ़ी फिनिश्ड लुक हो जाएगी यहाँ पे भी, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं। अब नेक्स्ट रो में हम कैसे करेंगे देखिए, जब आप इस तरह से बहुत सारे धागों को यूज़ करते हैं तो जो भी आपका एक थ्रेड का अगर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम वहीं से ही, जो भी अगर उलट जाता है वो दूसरे धागे के साथ, तो साथ के साथ उसको सेट करते जाएं, फिर उससे हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए ये जो नेक्स्ट 6 फंदे हैं बटन पट्टी के, इस रो में हम इनको इसी तरह सीधा बुन लेंगे। ये बुन लेने के बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे मल्टी कलर यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपना जो सेकंड कलर है वो यहाँ पे अटैच कर लेते हैं।
जैसे हमने पहले अटैच किया था वैसे ही उसको अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ये जो कलर है इससे थोड़ा सा डार्क कलर है, तो वो हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसे ही अटैच आप कर सकते हो जैसे हमने पहले किया था। ऐसे हमारा ये कलर भी अटैच हो गया। अब आपको क्या करना है, जो हमारा वाइट कलर वाला थ्रेड था उसको हम आगे लेकर आएंगे ऐसे, और ये जो धागा हमने अटैच किया है इसको हम इस तरह से क्रॉस करेंगे इसके ऊपर, और इसको भी हम एज इट इज़ उल्टा बुन देंगे। जब आप इस तरह से कर देंगे तो इन थ्रेड को आप ऐसे खींच देंगे तो ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अब इस पूरी रो को वहाँ तक जहाँ तक ये डिज़ाइन हम डाल रहे हैं पूरा उल्टा बुनते चले जाएंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट मैंने इसको कर लिया है उल्टा बुनते हुए। अब हम इस धागे को ऐसे लेंगे और ये जो धागा है इसको हम क्रॉस करते हुए ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, और जो ये फंदे थे बटन पट्टी वाले फंदे इनको हम यहाँ पे सारे के सारे फंदों को सीधा बुन देंगे। तो देखिए, एक ये इस तरह से ऊपर से आया था फंदा, इसको भी हम बुन देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा होल बन गया है। अब हम नेक्स्ट राइट साइड की रो पर आ गए हैं। अब इस रो को हम जितने भी बटन पट्टी के फंदे हैं इन सारे फंदों को यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। इनको सीधा बुन लेने के बाद इसी तरह से हम जो धागा है पीछे ऐसे रखेंगे, और जो दूसरे कलर वाला धागा था उसको हम ऐसे अटैच करेंगे, और ये भी रो हमें सारी की सारी सीधी ही बुननी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो क्रीम है इसको इस कलर के धागे को दूसरा धागा ऐसे क्रॉस करें, उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे गैप नज़र नहीं आएगा। इसको हम ऐसे टाइट करेंगे तो फ्रंट से हमारा लुक ऐसे हो जाएगा। तो फिर उसके बाद सारी रो को हमें इसको सीधा ही बुनना है। तो यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर इसी तरह से हम ये धागा इस तरह करेंगे, और जो वाइट जो क्रीम कलर वाला धागा है वो हम इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको भी सीधा बुन देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये जो फोर रोज़ है कंप्लीट हो चुकी हैं। टू रोज़ तो हमने ये की और टू रोज़ हमने ये डिफरेंट कलर से बनाई। अब हम इसी तरह से रॉन्ग साइड पर आ गए हैं, और रॉन्ग साइड पे आने के बाद अब हमें यहाँ पे ये सारी की सारी रो इसी कलर से, जो ये क्रीम कलर है इसी से हमें सारी की सारी रो एंड तक बुननी है। इसको हमें जस्ट बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनना है, और जो बीच के फंदे हैं ये सारे के सारे हमें यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। तो इस तरह से बुनकर हमें ये कंप्लीट करनी है। बटन पट्टी के फंदे सीधे बुनने हैं, और नेक्स्ट जितने भी फंदे हैं धागा इस तरह से लाकर, और ये जो हम धागे यूज़ कर रहे हैं इनको साथ के साथ अगर हम ऐसे खींचते जाएंगे तो हमारे ये टाइट हो जाएंगे। देखिए हमारा अब यहाँ से अलग से कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, ये बिल्कुल बटन पट्टी आपकी फिनिश लुक देगी। ये मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमें जितने डिज़ाइन वाले फंदे हैं बीच वाली लाइन ये सारी की सारी हमें उल्टी बुननी है, और नेक्स्ट जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं वो हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है, और नेक्स्ट रो में भी हम क्या करेंगे, ये जो फंदे हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं ये फंदे इनको हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे, और ये सारे के सारे हम यहाँ पे इनको सीधा बुनेंगे, और एंड में ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं इनको भी हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम ये अपनी 6 रोज़ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। हमने सारे रो को इसी कलर से यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब आपको इसमें क्या करना है कि नेक्स्ट अब हमें ये देखना है कि हमारे कौन से कलर की टर्न आएगी। जैसे हमारे इस फर्स्ट कलर की टर्न आएगी, अब हमें रिपीटेशन करना है।
ये जो डिज़ाइन की 6 रोज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आप जब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो फिर दोबारा से हम इसी तरह से जैसे हमने रॉन्ग साइड से डिज़ाइन डालना स्टार्ट किया था कलर अटैच करके फर्स्ट कलर, तो ऐसे ही हमें करना है। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वो थ्रेड हमें ले लेना है जो हमने जिसकी अभी यहाँ पे अटैच करना है, तो उसको हम इस तरह से ऊपर लेंगे और ये जो धागा है क्रीम कलर वाला इसको इसके ऊपर से हम पास करेंगे ऐसे, ताकि ये अब हमारी टर्न इसकी आएगी तो हमारा यहाँ पे काफ़ी फिनिश लुक बन जाए। बार बार ये जो धागे ऊपर नीचे से जो हम ले रहे हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे दिखे, तो इसलिए हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। अब उसके बाद जो ये क्रीम हमने लिया है इस तरह से करने के बाद, वैसे तो हम पूरा बुन सकते थे लेकिन इस तरह से अटैच करने से हमारा काफ़ी फिनिश लुक आ जाएगा। इसको ऐसे हम क्रॉस करेंगे और यहाँ से फिर हम सीधा बुन देंगे। यहाँ तक आप देखिए, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें देख ही सकते हैं ये जो डिज़ाइन हमारा डला है 6 रोज़ का ये डिज़ाइन है। इसके बाद फिर दोबारा से हमने जैसे ये स्टार्ट किया था रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बुना था इस कलर से, और राइट साइड में हमने एक फंदा उल्टा बुनकर फिर एक स्लिप किया था फिर एक उल्टा बुना था, ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट की थी। फिर हमने राइट साइड पे जाकर जैसे हमने ये कलर चेंज किया था और उस साइड पे हमने उसको उल्टा बुना, राइट साइड में हमने इसको सीधा बुना, तो इस तरह से करते हुए हमें यहाँ पे नेक्स्ट हर एक पार्ट को कंप्लीट करना है। जो हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे वो इसी तरह से हमने रिपीटेशन करना है इन 6 रोज़ का। अब ये सब करने के बाद अब आपको मैं एक बात बता देती हूँ, वैसे तो काफ़ी फिनिश लुक इसकी हो ही जाएगी, आप आगे से तो देख ही रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आपको अलग से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पीछे से अगर हम देखें जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं जो थ्रेड है ये हमें जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम एक निडल में डाल के कैसे हमें इनको सेट करना है ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जैसे आप ये देखिए इस तरह से हमने ये सुई में डाल लिया है और इसके बाद सेम जैसे जो कलर आपको नज़र आ रहा है इसमें हम ऐसे डालते हुए इस तरह से डालते हुए पूरा इस थ्रेड को पास कर देंगे। इसको यहाँ पे अच्छे से लॉक करके और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा यहाँ से ये कट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सेट किया, आप राइट साइड से देखिए यहाँ से कुछ भी नज़र आपको नहीं आएगा। इसी तरह से जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स आपको नज़र आते हैं उनको हम इसी तरह से सेट करके इसको काफ़ी फिनिश बना सकते हैं। तो अब हमें इसी तरह से इसको रिपीट करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने आर्म होल की रिडक्शन तक इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ तक कंप्लीट करने में टोटल डिज़ाइन के बाद यहाँ तक मैंने 78 रोज़ बुनी है और 9 रोज़ स्टार्टिंग में ये बॉर्डर वाली 9 रोज़, इनको अगर ऐड करें तो टोटल 87 रोज़ हमारी यहाँ तक नीचे से लेकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बटन होल है एक तो मैंने बनाकर बताया था आपको, तो मैंने ये जो डिफरेंस इन बटन होल्स के बीच में रखा है, जो गैप रखा है, वो मैंने यहाँ पे 25 रोज़ का रखा है। मतलब यहाँ बटन होल देने के बाद 25 रोज़ के बाद फिर से मैंने यहाँ पे बटन होल दिया है। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बैक साइड है उसमें भी अगर कहीं भी आपको इस तरह से थ्रेड नज़र आ रहे हैं तो उनको भी मैंने इस तरह से अंदर सेट कर दिया है और ये काफ़ी बैक साइड से भी अब फिनिश हो गया है। अब हमें आगे इस मल्टी कलर को लेकर नहीं जाना, हमें जस्ट इसी कलर से आगे ऊपर का पार्ट बनाना है, तो वो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद जो रॉन्ग साइड की रो है इस रो को हम सारी की सारी रो को यहाँ पे सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर जब राइट साइड पे आएंगे तब हम इन फंदों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो रो है सारी की सारी रो को मैं यहाँ पे सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड की रो को हमने सारा का सारा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। राइट साइड पे अब हम इन सारे फंदों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो 3 पार्ट में जो बैक का पार्ट है उसमें हम 71 फंदे रखेंगे और दोनों फ्रंट के पार्ट में 40 फंदे रखेंगे।
तो 71, 40 और 40, 80 और 71, 151 फंदे हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे बुनना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 40 फंदे हम इस पार्ट के लिए रखेंगे, तो इसको हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब हमारा बुनना बहुत सिंपल होगा, अब हमें दोनों साइड से उसको सीधा सीधा बुनना है, बस हमें रिडक्शन करनी है। तो वो रिडक्शन कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम यहाँ पे एक बटन होल दे देते हैं, जैसे पहले मैंने बनाकर आपको बताया था उसी तरह से यहाँ पे एक बटन होल दे देते हैं। तो ये हमारा बटन होल हो गया। अब नेक्स्ट जो है फंदे हम यहाँ पे बुन लेते हैं। एंड में जो 40 फंदे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में ही हमें फंदों की रिडक्शन करनी है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इनको मैं बुन लेती हूँ। तो 40 में से 37 फंदे मैंने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब जो लास्ट के 3 फंदे हैं, वैसे 40 जो करनी थी 37 तो हमारे यहाँ पे हो गए, तो अब हमें राइट साइड में रिडक्शन करनी है। तो वो रिडक्शन हम देखिए कैसे करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को एक हम कर देंगे ऐसे लेते हुए ऐसे, और फिर उसके बाद लास्ट का एक फंदा है ये हम बुन देंगे। तो ये हमारे 40 फंदे इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। 2 फंदों का एक हमने किया, तो इसी रो में 40 तक जो हमें फंदे लेने थे उनमें से हमने लास्ट के 3 फंदों में से एक फंदा छोड़कर उससे पहले वाले 2 फंदों को एक कर दिया। तो जब भी हम राइट साइड पर आएंगे हमें और कुछ नहीं करना, दोनों साइड से हमें इसी तरह से सीधा सीधा बुनना है। लेकिन जो लास्ट के 3 फंदे होंगे उनमें लास्ट के फंदे को छोड़कर उससे पहले 2 फंदों को हमें इसी तरह से 2 फंदों का एक बनाना है। तो इस तरह से हमारी ये जो है आर्म होल के लिए रिडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आते हैं, और रॉन्ग साइड की रो को भी हमें यहाँ पे सीधा ही बुनना है, लेकिन इसमें हमें कोई रिडक्शन नहीं करनी। तो सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे हर राइट साइड पे इसको घटाते जाएंगे तो एक डायगोनल पोजीशन बनती चली जाएगी, और इसी तरह से हमारी जो रेगलन स्टाइल स्वेटर्स है वो कंप्लीट होती हैं। तो आप जो है यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर जो भी आप फंदे घटाते जा रहे हैं, जैसे एक तो हमारा जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तब हमने रिड्यूस किया था राइट साइड में, अब जब राइट साइड पर हम आए हैं फिर हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। तो ऐसे करते करते हमने टोटल यहाँ पे इसकी नियर अबाउट 50 रोज बुननी है। 50 रोज जब हम बुनेंगे तो जब भी हम राइट साइड पर आएंगे तब अगर फंदों को घटाएंगे तो 25 फंदे हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, और फिर 15 फंदे हमारे बच जाएंगे। तो वहाँ तक इस पार्ट को मैं बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये पार्ट मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक मैंने जहाँ से फंदों को रिड्यूस करना स्टार्ट किया था वहाँ से ऊपर तक टोटल मैंने इसकी 50 रोज़ बुन ली है। 50 रोज़ बुनने में 25 फंदे हमारे इस पोर्शन में यहाँ से रिड्यूस हुए हैं, और ऊपर मेरे पास यहाँ पे 15 फंदे बचे हैं। ये जो 50 रोज़ मेरी कंप्लीट हुई रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करने के बाद, थ्रेड मेरा यहाँ पे इस तरह से राइट साइड पे आया है। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे जो बैक का पार्ट है और फ्रंट का दूसरा पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ये भी आपको सेम एज इट इज़ इसी तरह से करना है, सिर्फ बैक के पार्ट में ये डिफरेंस है कि दोनों तरफ से अभी जैसे हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो 3 फंदे हैं ये लास्ट का फंदा छोड़कर इन 2 फंदों का एक करेंगे, और इस साइड भी हम ऐसा ही करेंगे, लास्ट के जो ये 3 फंदे हैं लास्ट का फंदा बुनकर इन 2 फंदों का एक करेंगे। इट मीन्स जब ये राइट साइड की रो हम बुनेंगे तो यहाँ पे इस साइड भी और इस साइड भी बैक के पार्ट में दोनों साइड हम यहाँ पे 2-2 फंदों का एक करेंगे, और जो रॉन्ग साइड की रो है उसको हम वैसे ही सीधा बुन लेंगे। तो जब भी आप इस तरह से इसको करते जाएंगे तो इसी तरह से दोनों साइड से ये रिड्यूस हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है फ्रंट का ये वाला पार्ट, इसमें भी आपको क्या करना है, इस साइड से जैसे यहाँ पे हमने इस साइड से फंदों को घटाया था तो यहाँ भी हम ऐसे ही घटाएंगे, लेकिन हमारा जो है ये पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो लास्ट स्टार्टिंग जो हम करेंगे स्टार्टिंग में ही
तीन फंदों में से एक फंदा छोड़कर फिर हम दो फंदों का एक करेंगे और फिर हम इस पूरी रो को बुनकर और नेक्स्ट रो को भी पूरी को बुनकर फिर जब राइट साइड पे आएंगे फिर हम ऐसे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने ही इस तरह से हम डाल लेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों का हम यहाँ पे एक बना देंगे। और फिर उसके बाद सारी रो हम यहाँ पे सीधी बुन लेंगे। बस फिर आपको वैसे ही करना है, जब भी हम इस राइट साइड पे आएंगे हमें स्टार्टिंग में ही एक फंदा बिना बुने लेकर दो फंदों का एक करना है और ऐसे हम इस रो को बुनते जाएंगे और रॉन्ग साइड की रो को हम सीधा ही बुन लेंगे, उसमें हमें कोई रिडक्शन नहीं करनी। दोनों साइड से इसी तरह से जैसे हमने उस पार्ट को सीधा सीधा बुना था गार्टर स्टिच देते हुए ऐसे हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है, बैक के पार्ट को भी और इसको भी। तो ये सारा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तीनों पार्ट मैंने यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे इन दोनों पार्ट को भी मैंने सेम एज इट इज़ ऐसे ही बुना है जैसे हमने इस पार्ट को बुना था। इस पार्ट में फंदों के रिडक्शन के बाद 50 रोज बुनकर मैंने यहाँ पे 25 फंदों को रिड्यूस किया था और यहाँ पे मेरे 15 फंदे बचे थे। तो यहाँ भी सेम एज इट इज़ इस दूसरे पार्ट में भी मैंने इसी तरह से फंदों के रिड्यूस होने से लेकर यहाँ तक 25 फंदों को रिड्यूस किया है और 50 रोज बुनकर कंप्लीट की है। इसी तरह से अगर बैक के पार्ट की बात करें तो बैक के पार्ट में 71 फंदे थे जिसमें से 25 इस साइड और 25 इस साइड, टोटल 50 फंदे हमारे रिड्यूस हुए हैं और इसकी भी मैंने इतनी ही रोज़ बुनकर कंप्लीट की है जितनी इन दोनों पार्ट्स में की है। तो बाद में अब यहाँ पे मेरे पास 21 फंदे बचे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ्रंट के दोनों पार्ट में जब हमने डिवीज़न किया था 40 फंदे इस पार्ट में और 40 फंदे दूसरे पार्ट में थे। तो 25 फंदे जब रिड्यूस हमने कर दिए तो 15 इस पार्ट में बचे हैं और 15 इस पार्ट में, और बैक के 71 फंदों में से जब 50 फंदे हमारे रिड्यूस हो गए हैं तो 21 फंदे हमारे यहाँ पे बचते हैं। तो अब हमारा ये स्वेटर की ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जस्ट हमें स्लीव्स बनानी है और स्लीव्स बना के फिर उसके बाद हम यहाँ पे इन पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ तक जो स्वेटर बनाने में मैंने रोज़ बुनी है नीचे से लेकर यहाँ से लेकर ऊपर तक जितनी भी रोज़ यहाँ तक बुनी है वो 138 रोज़ बुनकर कंप्लीट की है। स्वेटर के स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 46 फंदे लिए हैं और 46 फंदे लेने के बाद दोनों साइड से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी, इसको सीधा सीधा बुनते हुए टोटल यहाँ पे 9 रोज़ कंप्लीट कर ली है। अब 10th रो से हम यहाँ पे डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। जो हमने स्वेटर में डाला था वही वाला हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए इस तरह का डिज़ाइन हम यहाँ पे अब डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये जितनी रोज़ हमने यहाँ पे बुनी थी 9 रोज़, इतनी मैंने यहाँ पे स्लीव्स में बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाते हैं। ये जैसे हमारे 46 फंदे हैं तो जब हम दूसरे कलर का थ्रेड अटैच करके यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे तो एक फंदा हम सेंटर में यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो इस रो को, रॉन्ग साइड की रो को पहले आप यहाँ पे थ्रेड अटैच कर लें दूसरे कलर वाला जो हमने इस स्वेटर में स्टार्ट किया था जिसे, तो फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको उल्टा बुनना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सेंटर में एक फंदे का, जब हम इस स्लीव के सेंटर में आ जाएंगे तो एक फंदे को बुनते हुए उसको हमें दो बनाना है, मतलब एक ही फंदे को हमें दो बार बुनना है। ऐसे एक ही फंदे को दो बार बुनेंगे तो हमारे यहाँ दो फंदे हो जाएंगे। बस फिर अब हमें आगे इसको सिंपल उल्टा ही बुनते जाना है। तो अब हमारे इस रो में 47 फंदे हो जाएंगे। 10th रो को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड में अपनी 11th रो पर आ गए हैं। अब इसमें हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहला जो फंदा है इसको आप उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, उल्टा ही बुनना है इसे, फिर स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस तरह से हम बुनते हुए इस सारी रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस रो को हमने पूरा यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं एंड में भी यहाँ पे हमारा एक उल्टा फंदा बुना है।
मतलब स्टार्टिंग भी हमने उल्टे फंदे को बुन के की थी, एंडिंग भी हमारी इस तरह से हुई है। तो अब जो है हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे और दूसरा थ्रेड हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये डिफरेंट कलर वाला जो थर्ड कलर था हमारा, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। और अब हम इस सारी रो को, जो ये रो है 12th रो, इसको सारे के सारे को यहाँ पे उल्टा बुनेंगे और जो राइट साइड की रो आएगी उसको 13th रो को हम यहाँ पे सारे के सारे को सीधा बुनेंगे। तो इसको मैं बुनकर दिखाती हूँ आपको। पहले इस रो को हम यहाँ पे उल्टा बुन लेते हैं। 12th रो मैंने यहाँ तक पूरी उल्टी बुन ली है। अब उसके बाद हम राइट साइड पर आ जाते हैं। राइट साइड की इस रो को इसी कलर के साथ हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। इस रो को मैंने सीधा बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं। यहाँ से अब हम बेस कलर जो ये था इसको लेकर इस सारी रो को यहाँ पे उल्टा बुनेंगे और राइट साइड की रो को सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे अब हम फंदों को इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब आपने इसी तरह से जब हम लास्ट क्रीम कलर पे आएंगे, इस वाले कलर पे आएंगे, तो हम दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये बढ़ाकर बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसी तरह से हमें जब भी हम इस कलर पे आएंगे तो हमें एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाना होगा। तो पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अब आपने यहाँ पे दूसरा ये कलर लेकर हमें यहाँ से इसको उल्टा बुनना स्टार्ट करना है। अब ये देखिए रॉन्ग साइड की रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब राइट साइड में जब हम आएंगे तो इसमें एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। तो वो देखिए हमें कैसे करना है। पहला फंदा बिना बुने इसी तरह से डाल लेंगे और नेक्स्ट फंदे को, इसी फंदे को हम दो बार बुन देंगे। एक बार ये बुन गया और फिर इसी में से हम ऐसे डाल के एक फंदा और बुन देंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब इसी तरह से हमने दूसरे एज पे भी ऐसे ही करना है। जो सेकंड लास्ट फंदा होगा उसमें से हमें दो बनाने हैं। अब देखिए लास्ट में हमारे ये दो फंदे बचे हैं, तो ये जो पहला फंदा है इसमें से हम दो फंदे बना लेंगे और लास्ट का फंदा हम एज इट इज बुन देंगे। अब नेक्स्ट रॉन्ग साइड पर आ गए हैं हम, और रॉन्ग साइड से हम दूसरा कलर लेकर और इस रो को हम पूरी की पूरी को उल्टा बुनेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पे सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देखिए जैसे मैंने इस रो को बुनना स्टार्ट किया था, जब पहला फंदा था वो उल्टा बुना था, लेकिन यहाँ पे एक एक फंदा दोनों साइड हमारा इंक्रीज हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमने इससे पहले वाली रो में फंदों को इंक्रीज किया था। तो वो फंदा इंक्रीज होने की वजह से अब हमारा पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए जैसे आप इसको सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे एक लाइन, आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है ये उल्टे फंदे की आ रही है। तो यहाँ फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद आपने वही डिज़ाइन की सीक्वेंस को फॉलो करना है। एक फंदा स्लिप किया, फिर आप ये देखिए ये वाला जो फंदा है यहाँ पे ये उल्टा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। फिर उसके बाद एक फंदा स्लिप किया और फिर उसके बाद आप देखेंगे फिर देखिए ये यहाँ पे उल्टा आ रहा है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। फंदे इंक्रीज करने के बाद आपने इसको मैच करते जाना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मैच होगा। तो इस तरह से हमने बस करना है और सेम सीक्वेंस इसी तरह हम फॉलो करते जाएंगे। तो आप देखिए इस तरह से फिर ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम ये कलर लगाएंगे, फिर हम इस तरह का कलर लगाएंगे और ये कलर लगा के जब हम राइट साइड की रो पर आएंगे तो फिर इसी तरह से फंदों को इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह से बुनते बुनते हमें यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ को इंक्रीज करना है। बस आपको इस डिज़ाइन का ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे यहाँ पे हमने सीधा बुना, फिर ये उल्टा बुना, फिर जब हम नेक्स्ट रो में फंदों को इंक्रीज करेंगे तो पहला फंदा हमें उल्टा बुनना है, सेकेंड फंदा हमें स्लिप करना है, फिर उल्टा बुनना है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद इजीली आपकी जो शेप है वो बनती चली जाएगी। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें स्लीव्स की रिडक्शन करनी है आर्म होल की। तो इतना मैं बुनकर फिर आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाती हूँ। तो ये स्लीव्स को मैंने यहाँ पे आर्म होल की रिडक्शन से पहले तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है।
यहाँ से लेकर जहाँ से हमने डिज़ाइन डालना स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमारी टोटल 72 रोज हमने बुनकर कंप्लीट की है। और जो फंदे हमने इंक्रीज़ किए हैं वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ से हमने दो फंदों को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था दोनों साइड से। तो ये जो फंदे थे, दो फंदे हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ हुए इस लाइन में, जो आपको ये बेस कलर वाली लाइन नज़र आ रही है, यहाँ के बाद हर एक इस तरह की लाइन पे हमने फंदों को इंक्रीज़ किया है। तो दो फंदे यहाँ पे हो गए। इन लाइंस को अगर हम काउंट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 यहाँ पे हमने नहीं किया। तो 11 लाइंस में हमारे 22 फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं, 22 फंदे ये और 46 ये वाले, और एक फंदा हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, इट मीन्स 47, 22 और 47, टोटल 69 फंदे हमारे यहाँ पे अब हो चुके हैं। यहाँ पे इस स्ट्रीम लाइन में, इस बेस कलर की लाइन में हमने फंदों को इंक्रीज़ नहीं किया। तो यहाँ तक फंदे इंक्रीज़ करने पे 69 हमारे फंदे हो चुके हैं। अब हम आर्म होल के लिए रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब एक बात तो और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे साइड में जब हमने ये थ्रेड चेंज किया था, ये ना तो आपका ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर लूज़ होगा तो भी आपकी जो स्टिचिंग है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टाइट होगा तो भी। तो ये बिल्कुल आप बैलेंस करके लें, तो इससे जो है आपकी स्लीव्स की जब आप स्टिचिंग करेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ के बाद अब इसको हम बुनना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक हमारी जो टोटल रोज़ हुई हैं, 72 रोज़ ये हुई हैं और 9 रोज़ हमने स्टार्टिंग में पहले बुनी थी, तो 81 रोज़ हमारी यहाँ पे बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाते हैं और रॉन्ग साइड की रो को हम यहाँ पे सारी की सारी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हमें आगे मल्टी कलर लेकर नहीं जाना, जैसे हम स्वेटर में एक ही कलर से इस तरह से दोनों तरह से सीधा सीधा बुन रहे थे, तो इसको हम यहाँ पे सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये रॉन्ग साइड की रो हमने यहाँ पे पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारी 82 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। जो रिडक्शन हम करेंगे सेम एज इट इज़ वैसे करेंगे जैसे हमने स्वेटर के बैक के पार्ट में की थी। वहाँ पे हमने दोनों साइड से सेकंड लास्ट एक ये लास्ट फंदा छोड़कर ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों का एक किया था दोनों साइड से, तो यहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे। और इसी तरह से हमने उतनी ही रोज़ बुननी है, 50 रोज़ यहाँ से रिडक्शन से काउंट करते हुए टोटल 50 रोज़ हम बुनेंगे। और 50 रोज़ में हमारे टोटल 25 फंदे इस साइड से और 25 इस साइड से, दोनों साइड से 25-25 रिड्यूस होकर 50 फंदे हमारे यहाँ पे रिड्यूस होकर टोटल 19 फंदे हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। जैसे 69 फंदे हैं ये, उसमें से 50 अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 19 फंदे हमारे टोटल बच जाएंगे। और ऐसे ही हमें इस पार्ट को भी तैयार करना है। तो देखिए हमें कैसे रिडक्शन करनी है। यहाँ से हम इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा ऐसे ही बिना बुने डालकर ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों को हम यहाँ पे एक बना देंगे और सारे फंदों को हम एंड के तीन फंदे से पहले सारों को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, इन दो फंदों को फिर से हम ऐसे ही एक बना देंगे और लास्ट का फंदा हम बुन देंगे। तो हर बार जब भी हम राइट साइड पर आएंगे इसी तरह से हमें रिडक्शन करनी है। और जो रॉन्ग साइड की रो है उसमें हमें कुछ नहीं करना, उसको हमें ऐसे ही सीधा बुनना है, दोनों साइड से हमें सीधा ही बुनना है। और इस रॉन्ग साइड में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो भी चेंजेस होंगे रिडक्शन के दो फंदों का जो एक करना है, इसी तरह लास्ट के एक फंदा छोड़कर उससे पहले वाले दो फंदे हम दोनों साइड से रिड्यूस करते जाएंगे। तो इस तरह से मैं ये सारी रोज 50 रोज बुनकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि स्लीव्स हमारी किस तरह की शेप ले लेगी। ये मैंने 50 रोज़ बुनकर कंप्लीट कर ली है और ऊपर अब हमारे पास 19 फंदे बचे हैं। यहाँ पे अब हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है और स्लीव को बनाने के लिए स्टार्टिंग से फंदे डालने के बाद हमारी टोटल 132 रोज़ बुनकर हमने कंप्लीट की है। अब ये बनाने के बाद इसी तरह की दूसरी स्लीव भी मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम अपना नेक बनाएंगे और नेक के लिए हम सारे पार्ट्स को अटैच करेंगे। हमने ये दूसरी स्लीव के पार्ट को भी तैयार कर लिया है, इसको भी सेम एज इट इज़ हमने इसी तरह से बुना है जैसे हमने इसको बुना था। तो अब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद स्लीव्स के
हम अब पूरी स्वेटर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और नेक बनाएंगे। तो अटैच करने के लिए, जैसे कि आप ये स्वेटर देख रहे हैं, इस स्वेटर के इस पार्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से इन फंदों को बुनते हुए आकर, फिर हम स्लीव को इसके साथ अटैच करके फिर बैक का पार्ट इसमें अटैच करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरी स्लीव का पार्ट यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर इस पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसको हमें कैसे करना है देखते हैं। इसको हमें सीधा सीधा ही बुनना स्टार्ट करना है, जैसे हम पहले बुनते आए थे दोनों साइड से। तो यहाँ से भी अब हम इसको, ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से इसको सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को मैंने यहाँ तक सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव का एक पार्ट लेंगे, ये भी हमें राइट साइड से लेना है, और इसको हम इसके बाद कॉन्टिन्यूसली सीधा बुनते चले जाएंगे। तो जब हमने ये स्लीव बनाई थी तो इसका भी कुछ थ्रेड हमारा यहाँ पे था, और एक हम यहाँ से बुनते आए हैं, तो इस थ्रेड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी से हम पूरा नेक बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इस वाले थ्रेड को इसके साथ टाई कर देंगे, और जितना हमें थ्रेड स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना रखकर और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो पहले हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया है, और इसके बाद अब इसको कॉन्टिन्यूसली, जैसे हमने उसको सीधा बुना था, इसी तरह से सीधा बुनते हुए चले जाएंगे। अब इस स्लीव के पार्ट को भी मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे भी अब जब इस पार्ट को हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो एक थ्रेड यहाँ पे होगा, इसको भी हम उस थ्रेड, दूसरे थ्रेड के साथ इस तरह से नोट लगाकर और कॉन्टिन्यूसली आगे बुनना स्टार्ट करेंगे। अब इसको ज्वाइन करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे सीधा बुनते चले जाएंगे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इस बैक के पार्ट में यहाँ पे दूसरी स्लीव को हम अटैच करेंगे, इस पोजीशन में हम लेंगे राइट साइड से, और इसको कॉन्टिन्यूसली उसी तरह से हम यहाँ पे इसको अटैच करके और इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, और सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अटैच करने के बाद यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब जस्ट हमें एक पार्ट और यहाँ पे इसमें अटैच करना है, जो फ्रंट का दूसरा पार्ट था उसको हम यहाँ से और यहाँ से ऐसे उसी तरह से जॉइन करके और यहाँ तक इस बुन लेंगे। तो ये बुनकर कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सारे पार्ट्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है और सारी रो को सीधा बुन लिया है। तो एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको अटैच किया है। सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट लिया राइट साइड से, और फिर उसके बाद स्लीव का दूसरा पार्ट हमने एक पार्ट लिया स्लीव का, और उसको भी हमने राइट साइड से ऐसे यहाँ से कॉन्टिन्यूस ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जो बैक का पार्ट है वो हमने इसके पास ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद जो दूसरी स्लीव का पार्ट था उसको हमने अटैच किया, और फिर जो फ्रंट का दूसरा पार्ट था उसको हमने अटैच किया। तो इस तरह से हमने ये सारी रो बुनकर कंप्लीट कर ली। अब ये हमारे सारे पार्ट अटैच हो चुके हैं। अब इस रो को हमने सीधा बुन लिया है। उसके बाद जो रॉन्ग साइड की रो है इसको भी हम यहाँ तक सीधा बुन लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम कॉलर बनाने के लिए स्टार्टिंग करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। तो पहले हम इस सारे के सारे रो को सीधा बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की रो को सीधा बुनने के बाद अब हम अपनी राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ पे जो फंदे हमारे, जितने भी हमने ऊपर तक ये पार्ट तैयार किए थे, जो बचे हुए फंदे थे उनको हमने यहाँ इकट्ठा कर दिया है। तो 15 फंदे हमारे पूरी फ्रंट के पार्ट बनाकर ऊपर बचे थे दोनों पार्ट में, और 19 फंदे हमारे स्लीव्स में बचे थे ऊपर, और बैक के पार्ट में 21। तो इनको अगर हम टोटल करें तो 89 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो अब यहाँ से हम कॉलर बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉलर बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ये 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं इनको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और उसके बाद जो बीच के फंदे हैं 89 में से 14 तो हम ये लेस कर देंगे, तो बीच में हमारे 75 फंदे बचेंगे। इन फंदों से हम आगे इसका कॉलर तैयार करेंगे, और कॉलर तैयार करने के लिए इन 75 फंदों को बस आपको क्या करना है, इसी तरह से जैसे अभी तक हम बुनते आए हैं ये गार्टर स्टिच पैटर्न देते हुए, दोनों साइड से हमें इनको सीधा सीधा बुनना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये 7 फंदे रिड्यूस कर देते हैं। जो भी आपका तरीका है इनको रिड्यूस करने का, वैसे आप इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा बुनकर पहले वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से निकाल कर इस तरह से बाइंड ऑफ करूंगी। तो आप जैसे चाहे दो फंदों का एक करके करना चाहें या इस तरह से करना चाहें, जो आपका तरीका है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 7 फंदे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद जितने भी नेक्स्ट फंदे हैं उनको इसी तरह से हम सीधा सीधा बुनते चले जाएंगे।
और इस रो को हम एंड तक सीधा बुनेंगे, क्योंकि जो हमें अब 7 फंदे यहाँ पे रिड्यूस करने हैं वो हम नेक्स्ट रो से करेंगे। इस रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फंदे रिड्यूस करने के बाद इस रो को यहाँ तक मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट रो पर आ गए हैं, रॉन्ग साइड की रो है ये, तो इसमें अब यहाँ पे भी हमें 7 फंदों को रिड्यूस करना है, तो वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट जितने भी फंदे होंगे इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो इनको हम पहले रिड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड बता देती हूँ रिड्यूस करने का। 2 फंदों को इकट्ठा लेते हुए ऐसे एक कर लेंगे, फिर इस फंदे को दोबारा से हम सिलाई में डालेंगे, एक और फंदा इंक्लूड करेंगे और फिर उसको हम ऐसे एक बना देंगे, फिर इसको दोबारा से सिलाई में डालेंगे, नेक्स्ट दूसरा फंदा जो ऑलरेडी सिलाई में है उसको इंक्लूड करके, और इस तरह से भी हम यहाँ पे इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे मैं इनको रिड्यूस कर लेती हूँ। अब यहाँ पे इस रो को भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब आपको इसकी जितनी भी लेंथ बनानी है कॉलर बनाने के लिए, उतनी रोज आप यहाँ पे दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब आपको कुछ भी रिडक्शन नहीं करनी, अब आप इसको डायरेक्टली इस तरह से बुनते जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा कॉलर कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से मैंने फंदों को 7 फंदों को दोनों साइड से रिड्यूस किया था, उसके बाद से लेकर दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक 40 रोज हमारी कंप्लीट हुई है। और इसके बाद अब हमें क्या करना है कि ये जितने भी फंदे हैं इन सारे फंदों को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो हमारा ये कॉलर तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने रिड्यूस यहाँ पे किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे इन सारे फंदों को रिड्यूस कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसका हम स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये फंदों को क्लोज करके मैंने ये कॉलर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग आपको देखिए कैसे करनी है, ये वाला जो पार्ट है, जैसे आपको ये शेप नज़र आ रही है, तो इस पार्ट को इसके साथ हमें ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलना है, और इसी तरह से ये जो दूसरा पार्ट है, इसी तरह ये जो डायगोनल शेप है इसको यहाँ तक, तो ऐसे हम इन दोनों पार्ट को स्लीव्स को ऐसे सील देंगे। सीलने के बाद आप जो है फिर इस पार्ट को यहाँ तक ऐसे सिलेंगे, दोनों तरफ हमें इसी तरह से सीलना है। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से यहाँ से आप यहाँ तक सील लें और फिर उसके बाद इस तरह से फिर इन पार्ट को एक इधर से और एक इधर से ऐसे, तो फिर इस तरह देखेंगे हम, तो ये स्लीव हमारी ऐसे अटैच हो जाएगी। तो आप जैसे सिलना चाहते हैं इसको सील सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सैंपल सील कर दिखाऊंगी जिस तरह से मैं सीलती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे इसको सही समझे सील सकते हैं। तो हम इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये थ्रेड ऑलरेडी जब मैंने इनको ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने एक्स्ट्रा बचा लिया था ताकि मैं यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर लूँ। तो इसमें मैं नीडल को डालकर अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसको सीलना है। तो इस पार्ट को अब हम सीलना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ तक है ये पार्ट, इसकी ये जो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, इन लाइन्स को बहुत अच्छे से आप मैच करते जाएं। जैसे यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इस तरह से मैच करें जिससे कि जो हमारी लाइन्स हैं इनमें स्टिचिंग बहुत फिनिशिंग से आए। तो जब हम इनको पूरा मैच कर लेंगे, तो मैच करने के बाद आप देखिए यहाँ से अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। पहला इस तरह से हम सिलेंगे। इसको सीलने के बाद जो भी लाइन आपको नज़र आ रही है, जैसे ये हम इसको इस तरह से मिलाते जा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे हम लेंगे और फिर इस तरह से हम थोड़ा सा आगे से लेकर ऐसे हम सीलते जाएंगे। बस इस लाइन को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो स्टिचिंग में काफ़ी फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे ही हमने ये सारा सीलना है। इस तरह से मैं ये सारा आपको सील कर कंप्लीट कर बताऊंगी। और अगर आपका कोई भी तरीका है जिससे कि आप और इसे अलग तरीके से सीलना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे फिनिश लुक देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सील कर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से राइट साइड से ये इस तरह से दिखेगा। तो ऐसे ही सील कर मैं ये दूसरा पार्ट भी और जितना भी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ और बटन्स लगाकर फिनिश करके फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी।
इस स्वेटर को मैंने यहाँ पे सील कर और बटन्स लगाकर फिनिश कर लिया है। अब फाइनल लुक हमारा इस स्वेटर का तैयार हो चुका है। अगर आपको ये स्वेटर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।